गौर से देखिए, ऐसा लग रहा है कि पानी में कुछ तैर रहा है, लेकिन ये लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी के नीचे की चीज उनकी ओर बढ़ रही है। उसी समय पेड़ पर बैठा एक बंदर चिल्लाने लगा है, लेकिन बेन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बोरस को अचानक लगता है कि पानी में कुछ उसे छू रहा है, लेकिन हर कोई कहता है कि वो बहुत घबराया हुआ है। अचानक गेल ने सोचा कि वो आदमी उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो आदमी ऊपर आया, एक विशाल एनाकोंडा दिखाई देता है और उस आदमी को खा लेता है। हर कोई डर से भागने लगे हैं। एनाकोंडा उनके पीछे नहीं आया और वो किनारे पर चले गए। बेन ने सभी को बताया कि एनाकोंडा के अपने अपने क्षेत्र होते हैं और क्योंकि यहाँ पहले से ही एक है, तो कोई अन्य एनाकोंडा पास में नहीं आएगा। और एनाकोंडा को एक व्यक्ति को पचाने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है, इसलिए वो इस सप्ताह के दौरान अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं।